कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने नौकरियों में संविदा सिस्टम और स्पेशल फोर्स को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर योगी सरकार पर संविदा के जरिए युवाओं के अपमान का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव ने ट्वीट करते हुए लिखा, संविदा नौकरियों से सम्मान विदा, 5 साल की संविदा, युवा अपमान कानून। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी इस तरह के कानून पर अपनी तीखी टिप्पणी की है। प्रियंका ने सवाल उठाया कि इस सिस्टम को लाने का उद्देश्य आखिर क्या है। सरकार युवाओं के दर्द पर मरहम न लगाकर दर्द बढ़ाने की योजना ला रही है। इस ट्वीट के बाद प्रियंका गांधी ने नहीं चाहिए संविदा का हैशटैग भी इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि सरकार के जिस नए प्रस्ताव पर विवाद खड़ा हो रहा है उसमें सरकारी नौकरी के पहले 5 साल कर्मचारियों को संविदा पर नियुक्त करने का प्रावधान है, जिसमें 6 महीने के असेसमेंट में एक परीक्षा कराई जा सकती है, जिसमें 60% अंक से कम अंक पाने वाले लोग सेवाओं से बाहर कर दिए जाएंगे।